सनी देओल बॉलीवुड के जाने माने अभिनेताओं में से एक है जिनका रुतबा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है और आने वाले हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की कई सारी ऐसी फिल्में रही हैं जिन फिल्मों में सनी पाजी का अहम किरदार होने वाला है। वैसे सनी पाजी को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लगभग 4 दशक होने को आए और इस दौरान उन्होंने जो नाम और शोहरत कमाए वो वाकई काबिल तारीफ है। ये बॉलीवुड के ही मैन कहलाए जाने वाले धर्म पाजी के बेटे हैं और इन्होंने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक महान अभिनेता का खिताब भी जीता है। अब इतनी बड़ी उपलब्धि पाने के बाद सनी पाजी का हर किसी के साथ काफी अच्छे रिश्ते रहे, तो वहीं दूसरी ओर कई सारे ऐसे भी कलाकार रहे जिनके साथ सनी पाजी 36 का आंकड़ा रहा है और इन सभी सितारों से सनी पाजी काफी ज्यादा नफरत भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सनी देओल के सबसे बड़े दुश्मन को धर्म पाजी अपने बेटे की तरह देखते हैं और ये कोई और नहीं बल्कि शाहरुख खान है। अब शाहरुख खान को लेकर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सनी देओल के साथ इनका 36 का आंकड़ा रहा है और सनी देओल शाहरुख खान की शक्ल तक देखना नहीं पसंद करते हैं। दरअसल साल 1993 में आई डर फिल्म में जो कुछ भी हुआ उससे तो पूरी दुनिया वाकिफ रही और ये पहली और आखिरी फिल्म थी और इस फिल्म को करने के बाद सनी पाजी ने शाहरुख खान के साथ किसी फिल्म में काम नहीं किया। इस फिल्म को लेकर विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि सनी पाजी ने अपने पैंट की जेब में हाथ डालकर जेब भी फाड़ दी थी और सनी पाजी का ऐसा रवैया देखने के बाद शाहरुख खान के भी होश उड़ गए थे। तो वही दूसरी ओर धर्म पाजी की बात करें तो धर्म पाजी शाहरुख खान को अपने बेटे की तरह मानते हैं। अब सोशल मीडिया पर धर्म पाजी मौजूदा समय में काफी एक्टिव रहते हैं। 88 साल के धर्मेंद्र कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पर लिखते रहते हैं और वो बॉलीवुड में पिछले 50 साल से ज्यादा ब्लॉकबस्टर क्लासिक फिल्मों में काम कर चुके हैं। इंडस्ट्री के नए और पुराने दौर के कई सितारे उनसे बहुत लगाव रखते हैं। वैसे बेटे सनी देओल और बॉबी देओल को जितना प्यार करते हैं उतना ही प्यार वो शाहरुख खान से भी करते हैं। अब बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र भी उन सितारों में से एक हैं जो शाहरुख खान के लिए प्यार जताते नजर आते हैं या उनके साथ एक प्यारा सा बॉन्ड शेयर करते हैं। और अभी हाल ही में उन्होंने किंग ऑफ रोमांस के नाम से मशहूर अभिनेता शाहरुख के साथ एक प्यारी तस्वीर शेयर की। शाहरुख और धर्म पाजी की प्यारी सी तस्वीर नजर आ रही है। इस तस्वीर के साथ उन्होंने एक पोस्ट भी शेयर किया। तस्वीर अवार्ड सेरेमनी की बताई जा रही है जिसमें धर्मेंद्र शाहरुख खान को एक अवार्ड देते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं और अपने पोस्ट में धर्म पाजी ने लिखा है कि बेटे ही है ये सब, मालिक का हमेशा एहसान मंद हो इस मुकद्दर के लिए। धर्मेंद्र के इस पोस्ट पर दोनों कलाकार के फैंस काफी पसंद कर रहे हैं और काफी जमकर प्यार भी लुटा रहे हैं। वैसे सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र के फैंस उनके हाव भाव की सराहना करते हुए अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं और एक यूजर ने लिखा है कि दो बॉलीवुड किंग लव यू बहुत सारा वाला। ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि धर्मेंद्र पाजी हमेशा से ही किंग ऑफ रोमांस के नाम से मशहूर अभिनेता शाहरुख खान को अपने बेटे की तरह मानते हैं। इसी के साथ ही अगर बात करें शाहरुख खान की तो शाहरुख खान से धर्म पाजी का पुराना नाता रहा है। दरअसल इनिशियल डेज में शाहरुख खान के पास जब कोई भी काम नहीं था तो शाहरुख को सबसे पहला रोल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में धर्म पाजी की पत्नी हेमा मालिनी ने दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शाहरुख खान की साल 1992 में आई फिल्म दीवाना उनकी पहली डेब्यू फिल्म बताई जाती है। लेकिन दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को पता है कि शाहरुख खान को सबसे पहले फिल्म दिल आशना ऑफर हुई थी और फिल्म के कर्ता धरता धर्म पाजी की पत्नी हेमा मालिनी थी। हेमा मालिनी ने दिल आशना है सबसे पहले शाहरुख खान के साथ कास्ट की थी, लेकिन इस फिल्म को मेकिंग में काफी समय लग गया। ऐसे में दीवाना फिल्म पहले रिलीज होगी और ये दीवाना फिल्म उनकी डेब्यू फिल्म मानी जाती है।